हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हैं। देखो टेंथ क्लास में आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है NaHCO3। ये अपने कुछ महत्वपूर्ण यौगिक चल रहे हैं, उन महत्वपूर्ण यौगिकों में आज का जो नेक्स्ट यौगिक है वो है NaHCO3 सोडियम है। हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट ये अपना तीसरा यौगिक चल रहा है, जिसमें अपन ने पहला NaCl, दूसरा NaOH कास्टिक सोडा और तीसरा आज का जो यौगिक है वो है NaHCO3। अब देखो इसको कई नामों से जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साधारण नाम है इसका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसको खाने के सोडा का नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई नामों से इसको जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन बीच में होता है तो उसके लिए बाई शब्द लगता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ये सफ़ेद पाउडर, ठोस पाउडर जैसा पदार्थ होता है जो खाद्य पदार्थों में भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे दाल में, बाटियों में या पूरियों में फुलाने के लिए, रोटियों को फुलाने के लिए भी ये बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है। अब किस तरह से बेकिंग सोडा बनाया जाता है, पहले तो आप इसकी बनाने की विधि देख लीजिए। ये कच्चे पदार्थों के रूप में इसमें NaCl, NH3CO2 और H2O पदार्थ काम में लिए जाते हैं। भाई बेकिंग सोडा को बनाने के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में, कच्चे पदार्थ कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, इसमें NaCl, H2O, CO2 और NH3, ये चार पदार्थ हैं जो कच्चे पदार्थ प्रोडक्ट के रूप में काम में लिए जाते हैं, और इनसे अभिक्रिया होके और बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। बनाने की विधि कि भाई बेकिंग सोडा को किस प्रकार से बनाया जाता है, अब अपन को पता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा में बनाने के लिए कच्चे पदार्थ, जैसे अपन कपड़ा बनाते हैं तो कपड़ा बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में अपन किसको काम में लेते हैं, कपास को, कपास से धागा बनाया जाता है, धागे से फिर जाके कपड़ा बनाया, तो उसी प्रकार से बेकिंग सोडा को बनाने के लिए चार तत्व हैं, नमक, NaCl, H2O जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये कच्चे पदार्थों के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में, कच्चे पदार्थों के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए एक रासायनिक समीकरण के रूप में इनको दर्शाते हैं, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ये जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। NH4Cl प्लस NaHCO3 हाइड्रोजन, देखो इसमें 4 1 5 हाइड्रोजन होगी, 2 और 3 5 पूरे यौगिक बैलेंस हो जाएंगे। अब इसमें इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया के तहत ये बेकिंग सोडा का
अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। या फिर इसको दूसरी विधि से भी बनाया जा सकता है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी NaCO3 का निर्माण किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, यह तो इसकी फर्स्ट विधि हो गई। दूसरी विधि में इसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3+CO2+H2O, भाई सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाए तो भी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किया जा सकता है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट ये अमोनियम क्लोराइड और ये बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये दो यौगिक हो गए। भाई बेकिंग सोडा को बनाने के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में ये चार तत्व काम में ले जाते हैं, NaCl, H2O, CO2 और NH3। NH3 क्या है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। भाई कच्चे, अब इसको बनाने की फर्स्ट विधि है कि भाई बेकिंग सोडा को बनाने के लिए नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया, ये आपस में अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर के नाम से जाना जाता है, साधारण नाम इसका नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। ये तो इसकी एक फर्स्ट विधि होगी। दूसरी विधि में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, तो ये बेकिंग सोडा का निर्माण अपन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित कर दी जाए तो भी बेकिंग सोडा का निर्माण हो जाता है, और यदि NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया की आपस में रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो इनके द्वारा भी बेकिंग सोडा का निर्माण किया जा सकता है। अब देखो अपने बेकिंग सोडा के क्या हैं उपयोग, देखते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, किस प्रकार से ये अपने दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग, एक तो अपने खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट, भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने में इसका उपयोग पाउडर के रूप में किया जाता है, बेकिंग सोडा का या NaHCO3 का उपयोग भी, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का या खाने के सोडा का उपयोग क्या है, तो उपयोग अपन ने देखते हैं पॉइंटों में महत्वपूर्ण उपयोग इसके क्या क्या हैं, किस किस कामों में ये बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है। तो इसमें देखो पहला उपयोग है कि भोज्य या खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में
खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में उपयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। ठीक है, पहला उपयोग क्या है, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है, जिससे जैसे दाल है, बाटी हैं, पूरियों को फुलाने के लिए इस बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड उपयोग है कि इसका उपयोग सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में किया जाता है। सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर जो तरल पेय पदार्थों के रूप में इसको काम में लिया जाता है, या सोडा जो भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनको बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसको पेट की अम्लता को दूर करने में एंटी एसिड के रूप में भी काम में लिया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में एंटी एसिड के रूप में भाई, कई बार पेट में जब दर्द और जलन महसूस होने लग जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी जब हो जाती है, तो एंटी एसिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, या फिर इसको मंद पूर्तिरोधी पदार्थों के रूप में भी काम में लिया जाता है। मंद पूर्तिरोधी पदार्थों के रूप में पांचवा है अग्निशामक यंत्रों में छठा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये सब में लिखना है उपयोग। प्रयोगशाला जो लैब होती हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के, क्योंकि ये सारे रासायनिक यौगिक हैं और ये रासायनिक यौगिक लैब में प्रयोगों के लिए रखे जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये काम में लिए जाते हैं। तो ये बेकिंग सोडा, आज जो अपना नेक्स्ट यौगिक था महत्वपूर्ण यौगिकों में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने की विधि, कच्चे पदार्थों के रूप में इसमें चार पदार्थ काम में लिए जाते हैं, ध्यान रखना है NaCl, CO2, H2O और NH3। ये चार पदार्थ हैं जो कच्चे पदार्थों के रूप में बेकिंग सोडा का निर्माण करने के लिए ये काम में लिए जाते हैं। इनकी जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के तहत CO2 के कारण इनमें बेकिंग सोडा और नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का निर्माण होता है, या फिर एक तो मेन विधि तो है यही इसके बनाने की, या फिर इसको दूसरे तरीके से बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित कर दी जाए, ध्यान रखना इसको थोड़ा सा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जल H2 है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित कर दी जाए
तो प्रवाहित करने पर यह बेकिंग सोडा का निर्माण होता है NaHCO3। बैलेंस करने के लिए इसमें 2 लगा देंगे। इस तरह से बेकिंग सोडा को अपन 2 विधियों से बना सकते हैं, एक तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके, या फिर NaCl CO2, NH2 और NH3 इनकी आपस में रिएक्शन करवा के और ये बेकिंग सोडा का निर्माण करवाया जाता है। अब इसको अपन यूज में लिखें भाई, इसके उपयोग क्या हैं, दैनिक जीवन में उपयोग क्या है बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का उपयोग आपको इस तरह से पॉइंटन में लिखना है, एक यौगिक इनमें से लगभग 90% आने की पूरी संभावना होती है बोर्ड के एग्जाम में कि कोई सा भी एक अपन को यौगिक दे दिया, उसके बनाने की विधि और उपयोग समझाइए, 2 नंबर का प्रश्न। अच्छा, तो इसका उपयोग है खाद्य पदार्थ में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जो भी अपन जो भोज्य पदार्थ कई भोज्य पदार्थों में भोजन को स्वादिष्ट करने के लिए या फिर उसको वैरायटी बढ़ाने के लिए अपन उसमें बेकिंग सोडा काम में लेते हैं, या फिर बेकिंग सोडा कई बार जैसे मैंने बताया एक बार और पिछली क्लास में कि कई बार जैसे मधुमक्खियाँ, ततैया या इस तरह के जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जैसे अपने डंक मारते तो त्वचा में जलन और दर्द महसूस होता है, तो उस सतह पर भी अपन बेकिंग सोडा थोड़ा सा लगा लें तो उससे दर्द और जलन कम हो जाएगा। सोडा वाटर दूसरा उपयोग है इसका। सोडा वाटर ये पेय पदार्थ हैं, सोडा वाटर आपने पिया होगा, ये सोडा वाटर पीने के काम में लिया। सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं उनको बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। पेट की एसिडिटी के कारण जब पेट में आमाशय के अंदर अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो उसके कारण पेट में दर्द और जलन महसूस होता है, तो उसमें एंटी एसिड के रूप में ये बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है मंद पूर्तिरोधी पदार्थों के रूप में, कुछ एंटीसेप्टिक पदार्थों के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में फायर ब्रिगेड की जैसे अपने छोटे अग्निशामक यंत्र होते हैं, आग बुझाने के यंत्र होते हैं, उनमें बेकिंग सोडा भरा हुआ होता है, वो बेकिंग सोडा आग बुझाने के लिए CO2 गैस की ज़रूरत होती है। किसकी? CO2 गैस की। जैसे आग बुझानी है तो आग बुझाने के लिए CO2 गैस की ज़रूरत होती है। अब बेकिंग सोडा जो है NaHCO3 ये उस सिलेंडर में भरा हुआ होता है आग बुझाने वाले यंत्र में, उसमें HCl की एक बोतल होती है, ये क्या है NaHCO3, इसमें HCl की बोतल जैसे टूट के गिरती है तो इससे CO2 की अत्यधिक मात्रा इसमें बनती है और उसको नोजल के तहत बाहर निकलती है, बाहर उसको नोजल के द्वारा बाहर निकाला जाता है और CO2 गैस के द्वारा आग पर कंट्रोल पाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, लैब जो होती हैं उन लैबों में ये अभिकर्मक के रूप में, सारी लैब में ये यौगिक जो है महत्वपूर्ण यौगिक हैं, ये यौगिक लैब में सेपरेट रखे होते हैं और उन प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में अपन ने एक यौगिक के बारे में बताया है कि यह यौगिक बेकिंग सोडा जो है किस प्रकार से तो बनाया जाता है, क्या इसके उपयोग हैं और किस प्रकार से इसके बनाने की विधि, कच्चे पदार्थ उपयोग इस तरह से याद रखने हैं। एक यौगिक अच्छा मोस्ट यौगिकों में है ये कि बेकिंग सोडा आपको तैयार करना, तो ये यौगिक आज हुआ। अगला जो यौगिक है महत्वपूर्ण यौगिक है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के बारे में अपन जो अगली जो वीडियो होगी, अगली वीडियो में अपन इसको बताएंगे कि कौन कौन से यौगिक हैं जो Na2CO3 होगा उसका धामन सोडा जिसको बोला जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना कि ये पेट की अम्लता को दूर करने में एंटी एसिड के रूप में, मंद पूर्तिरोधी पदार्थों के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में और प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और इसके बाद अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें बता देंगे।